हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो 10th साइंस के लिए है, 10th क्लास की साइंस के लिए। और जो हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, तो वहाँ पर हमारी बुक में एनसीईआरटी बुक में क्या दिया हुआ है, वियोजन अभिक्रिया के लिए जो हमने पढ़ा था तीन टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो विद्युत अपघटन होता है, एक तापीय अपघटन होता है, या इसके ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। तो उसी में हम क्या क्या देखते हैं कि विद्युत अपघटन जो होता है उसमें जल का जो विद्युत अपघटन है उसको अलग से दिया हुआ है, समझा कर दिया हुआ है। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, जल का विद्युत अपघटन, यानी कि जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो यह किस प्रकार से रिएक्ट करती है। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो जल किस प्रकार से रिएक्ट करता है, किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आज, क्या कि बेटा जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा मैं और भी सब्जेक्ट के टीचर यहाँ पर ला रहा हूँ। जैसे कि इंग्लिश के लिए मैं बात करूँ तो मेरे पास ऑलरेडी तीन टीचर्स के कॉन्टैक्ट नंबर आ चुके हैं। तीन टीचर्स यहाँ पर अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए तैयार हैं। और जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है इसलिए मैं उन तीनों टीचर्स को डेमो क्लास के लिए बुला नहीं रहा हूँ, है ना। डेमो भी लेंगे और आपके ऊपर छोड़ देंगे क्या रिएक्शन रहता है, आपको चूज़ करना है। लेकिन हमारे पास तीन टीचर अंग्रेजी के हैं, एक आठवीं से नवीं तक, आठवीं नवीं दसवीं, एक इलेवन ट्वेल्थ और एक कंपटीशन लेवल। तो तीन टीचर हमारे पास इंग्लिश के हैं। इसी प्रकार से मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के भी देखो बेटा हमारे पास तीन टीचर हैं मैथ्स के भी, एक सेवन्थ एट्थ, दूसरा नाइन्थ टेंथ और तीसरा इलेवन ट्वेल्थ। तो मैथ्स की भी हमारे पास तीन ऑप्शन है। साइंस की बात करूं तो साइंस भी मैं अगर टीचर मिल जाते हैं बढ़िया तो मैं साइंस के लिए भी टीचर लाने वाला हूँ। फिर मैं केवल कहाँ ध्यान दूंगा, ओनली इलेवंथ एंड ट्वेल्थ बायोलॉजी पर ध्यान दूंगा और ये साइंस अगले टीचर पर छोड़ दूंगा। फिर बात करूँ हिंदी के टीचर्स हमारे पास हैं, हिंदी के भी चार टीचर हैं हमारे पास, किसी को भी ला सकते हैं। इसी प्रकार से जो संस्कृत है उसके भी टीचर हैं और सामाजिक है उसके भी टीचर हैं। ये तो हुई टेंथ तक की बात। इलेवन ट्वेल्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स सभी सब्जेक्ट के लिए हमारे पास टीचर हैं, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर के लिए भी टीचर्स उपलब्ध हैं। एग्रीकल्चर की बायो मैं देखूंगा इसे। तो बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और कोरोना कम होगा वैसे ही इसी चैनल पर आपको कम से कम 5-6 टीचर्स और भी देखने को मिलेंगे। सभी टीचर्स अलग अलग अपने अपने सब्जेक्ट में महान होंगे, वो सभी टीचर्स यहाँ पर आके पढ़ाएंगे, यहाँ पर आके वीडियो शूट करेंगे और ये सब कुछ होगा निःशुल्क, बिल्कुल फ्री में। जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे पैसे कमाने का शौक नहीं, मुझे अपने पेशे से मतलब है, पैसे से नहीं पेशे से। मेरा पेशा क्या है? टीचिंग। मेरा पेशा क्या है? टीचिंग। और मुझे शौक है पढ़ाने का, मुझे शौक है पढ़ाने का। और ऐसे ही टीचर मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे साथ ऐसे ही टीचर जुड़ रहे हैं जिन्हें भी पढ़ाने का शौक है। पढ़ाने का शौक होने के कारण वो मुझसे जुड़े हैं और वो भी यहाँ पर आने के लिए बेताब हैं, तैयार बैठे हुए हैं कि सर कब बुलाओगे, हम आने के लिए तैयार हैं। तो जैसे ही लॉकडाउन कम होगा, कोरोना कम होगा, लॉकडाउन खुलेगा, वैसे ही मैं उन टीचर्स को एक एक करके यहाँ पर बुलाऊंगा, आप सभी से मिलाऊंगा, आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और आपका प्यार ऐसे ही बने रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जल का विद्युत अपघटन, सबसे पहले अब इतनी डिटेल मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये डिटेल हमारी बुक में दी हुई है। तो इसको क्या करना है बेटा, टेंथ वालों को जो नई टेंथ में आ रहे हैं, नया जो सिलेबस आने वाला है टेंथ में, उसमें ये लाइनें दी हुई हैं, क्या करना है तो मैं वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद पहले इसको छाप लो, उसके बाद इसको समझना है। मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम प्लास्टिक का एक मग ले लो। ये मैंने एक प्लास्टिक का मग लिया है, उसकी तली में दो छिद्र कीजिए। तो ये यहाँ पर मैंने क्या किया, दो हॉल कर दिए। क्या कर दिए? दो हॉल कर दिए। यहाँ पर ये पैक है, यहाँ पर ये पैक है और इसमें क्या कर दिए, दो हॉल कर दिए। बहुत बढ़िया। तो सर्वप्रथम प्लास्टिक का एक मग लेकर उसकी तली में दो छिद्र कर दें, बहुत बढ़िया है, एवं उसमें रबड़ की डाट लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, रबड़ की डाट लगानी है, यानी कि इसको पानी ना खोले, इसमें अभी पानी भरेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर हमने रबड़ कस के लगा दी है, तो डाट लगा दी है, एवं अब इन छिद्रों में कार्बन के इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। दो इलेक्ट्रोड यूज करने हैं और दो इलेक्ट्रोडों को इसमें लगाना है। तो ये लीजिए मैंने इसमें दो कार्बन के इलेक्ट्रोड भी लगा दिए हैं, पहला इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है बेटा, जो छोटा सेल आता है उसको कभी तोड़कर मरोड़कर आपने देखा होगा तो उसमें एक कार्बन की लंबी छड़ आती है, देखना ध्यान से, नहीं तोड़ा है तो तोड़ के देखना, उसमें कार्बन की एक छड़ आती है, वही इलेक्ट्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड।
वो किसका बना होता है, कार्बन या ग्रेफाइट वगैरह का बना होता है। तो ग्रेफाइट भी हालांकि कार्बन का बना होता है, तो कार्बन की कह सकते हैं हम। तो कार्बन के इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, दो इलेक्ट्रोड मैंने डाल दिए और इन्हें 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। तो मैं इन्हें क्या करूँगा, 6 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ दूंगा। जैसे ये इलेक्ट्रोड लगाया है हमने, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बीच में कुंजी लगाएंगे, कुंजी मतलब स्विच, और ये मैंने बैटरी से, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने कुंजी रखी और ये मैंने यहाँ पर बैटरी से जोड़ दिया है, और बैटरी 6 वोल्ट की है, 6 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की। तो हमने देखिए क्या किया कि सर्वप्रथम एक प्लास्टिक का मग लिया, उसकी तली में दो छेद किए और उसमें क्या किया, रबड़ की डाट लगा के हमने क्या कर दिया, दो कार्बन के इलेक्ट्रोड डाल दिए हैं और इन इलेक्ट्रोडों को किससे जोड़ दिया, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ, कैमरे को थोड़ा दूर कर देता हूँ, पीछे कर देता हूँ, ताकि सब कुछ दिखाई देगा। ये लीजिए भाई, अब दूर से थोड़ा बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो अभी तक हमने क्या किया, एक मग लिया, उसमें दो होल किए, रबड़ की डाट लगाई और दोनों इलेक्ट्रोड उसमें डाल दिया और इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। इसके बाद देखिए दूसरा चरण क्या कहता है, अब मग में जल डाल दो, जल भरना है मग में और इलेक्ट्रोडों को उसमें डुबो देते हैं। मतलब अब मग में क्या करना है, हमें पानी भरना है। क्या भरना है, यहाँ पर ये पानी भरना है। और आगे देखिए पहले क्या कह रहा है, मग में पानी जल भरकर इलेक्ट्रोडों को उसमें डुबो देते हैं और इसमें तनु H2SO4 की कुछ बूंदें भी डालनी है। मतलब पानी भरना है और H2SO4 डालना है। इसके बाद जल से भरी, इसके बाद क्या करना है, जल से भरी दो अंशांकित परख नलियों को दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख देते हैं। मैं पहले परख नली लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, परख नली लगा देता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक परख नली उल्टी करके यहाँ पर लगा दी है, एक परख नली मैंने उल्टी करके यहाँ पर लगा दी है और ये इसी प्रकार से दूसरी परख नली भी मैंने लगा दी है, जो भी जल से भरी हुई। अब मैं जल भर देता हूँ, अब मैं क्या कर देता हूँ, जल भर देता हूँ, इनमें भी क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। अब जल नीचे तो निकल नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हमने क्या लगाया है, नीचे रबड़ की डाट लगा चुके हैं। ये लीजिए मैंने क्या भर दिया, पानी भर दिया, तो ये तो क्या है, जल है, और इसमें हमने थोड़ा सा क्या डाला, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, थोड़ा सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली हैं। और इसके बाद क्या किया, जल से भरी दो अंशांकित परख नलियों को दोनों इलेक्ट्रॉनों के ऊपर उल्टा करके रख देते हैं। दो परख नली ली और उनको उल्टा करके रख दिया और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। अभी देखिए ये मैंने यहाँ से जो पॉइंट हटाया है उसका मतलब है अभी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और जैसे ही मैं यहाँ पर यूज करता हूँ इस डॉट का, तो इसका मतलब क्या होता है, ये परिपथ कंप्लीट हो चुका है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो जिसमें उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो मैंने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया। हम देखते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉनों पर बुलबुले बनते हैं। थोड़े टाइम बाद क्या देखेंगे कि यहाँ पर बुलबुले बनना प्रारंभ हो जाएंगे। यहाँ पर क्या प्रारंभ हो जाएंगे, बुलबुले बनना प्रारंभ हो जाएंगे। तो बुलबुले बनना प्रारंभ हो जाते हैं जो अंशांकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे ही ये गैस बनती है, भाई बुलबुलों में क्या होती है, गैस होगी, तो ये जैसे ही गैस बनती है, गैस हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ जाएगी, इधर भी और इधर भी, और इसके कारण क्या होगा, गैस इस पानी पर जो परख नली में भरा हुआ है, इस पानी पर प्रेशर डालेगा, दाब लगाएगा, और ये पानी क्या होगा, नीचे की तरफ परख नली से निकलकर बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, पानी परख नली से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो नली से जल विस्थापित कर देते हैं। अब दोनों परख नलियों में गैस भर जाने पर, भाई धीरे धीरे क्या निकल रही है, गैस निकल रही है, यहाँ पर भी गैस बन रही है, यहाँ पर भी गैस बन रही है, अभी बात करेंगे कौन सी गैस बन रही है। तो दोनों परख नलियों में गैस भर जाने पर इन्हें सावधानी से हटाकर उनके पास जलती हुई मोमबत्ती लाकर इन गैसों का परीक्षण करते हैं। जैसे इनमें गैस भर जाएगी तो इन परख नलियों को हम निकालेंगे और निकालने के बाद चेक करेंगे कि इनमें कौन सी गैस बनी है, कौन सी गैस बनी है। तो अब मैं देखिए क्या, यहाँ पर तो ऑक्सीजन गैस का निर्माण होगा, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब मैं नाम लिख देता हूँ किस किस चीज़ का हमने यूज़ किया है। ये हमारे पास परख नली है, ये क्या है, हमारे पास परख नली है, ये मग है, या कोई बीकर ले सकते हैं, पर बीकर में होल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। मग हो गया H2O, ये हमारी बैटरी हो गई, ये कुंजी, ये क्या है, कुंजी है, ये रबड़ की डाट है,
रबड़ की डाट है। और देखिए एनोड और कैथोड, इधर वाले जो इलेक्ट्रोड है उसको एनोड कहा जाता है, जबकि इधर वाले इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। हालांकि ये ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते एनोड क्या है कैथोड क्या है, इनको देखना पड़ता है कि किस टर्मिनल से जुड़े हैं, धन सिरा या माइनस सिरा। लेकिन अभी हमें कुछ याद ज़्यादा करना नहीं है, वो आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तब काम आएगा। तो कैथोड पर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। कैथोड पर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, जबकि एनोड पर ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस का और एनोड पर किसका, ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को परख नली को निकालेंगे और इनका सावधानी पूर्वक निकालने के बाद इन गैसों का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं कौन सी गैस बनी। हमने यहाँ तो पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनी और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनी, लेकिन ये थोड़ी पता है कैसे बन गई, है ना, ये ऑक्सीजन ही है या हाइड्रोजन ही है ये थोड़ी पता था। लेकिन इसका क्या करना पड़ता है, जो परख नली उसको बाहर निकालेंगे, फिर जलती हुई मोमबत्ती इसके पास लाएंगे। जैसे मान लो मैंने इसको निकाला हाइड्रोजन को, अब मैं इसके पास मोमबत्ती लेके जाऊंगा या तीली लेकर जाऊंगा, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो आग लग रही थी मोमबत्ती में, उसके साथ ही जलना प्रारंभ होती है और वहाँ पर फटफट की ध्वनि आती है। फटफट की ध्वनि का आने का मतलब है यहाँ पर निकली हुई गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। जबकि अगर ऑक्सीजन है, जबकि भाई अपने पास पता तो है ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन ही है ये पता कैसे चलेगा, तो जो मोमबत्ती में आग लग रही थी वो आग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्योंकि ध्यान देना, ऑक्सीजन हमेशा गैस जो आग लगाती है ना उसमें सहायक होती है, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में ही आग लगती है। अगर ऑक्सीजन किसी स्थान पर नहीं है तो वहाँ पर आग भी नहीं लग सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर CO2 होती तो यहाँ पर क्या होता, ये जो मोमबत्ती लाई या तीली लाती वो बुझ जाती, तो वहाँ पता लगता हमें क्या होता, CO2 होती तो वो मोमबत्ती बुझ जाती। तो इस प्रकार से ये है हमारा जल का विद्युत अपघटन। तो अभी तक हमने क्या किया, दो रिएक्शंस पढ़ चुके हैं हम, अभी तक कितने रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, दो रिएक्शंस, कौन कौन सी, संयोजन जिसमें ए और बी मिलकर सी बनाएंगे, वियोजन जिसमें सी टूटकर पुनः ए और बी बनाएगा, दोनों के क्या डिटेल पढ़ चुके हैं हम। ये था जल का विद्युत अपघटन। अब हम चलते हैं तीसरी जो अभिक्रिया उसकी तरफ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें और चित्र के नीचे जरूर लिखना है जल का विद्युत अपघटन। ये याद रखना है, कैथोड पर कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस, इसको याद कर लेना भाई, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है जबकि एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनती है, कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनती है। चलिए अब मैं चल रहा हूं तीसरे प्रकार की रिएक्शन जो है हमारी, वो है विस्थापन। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया, देखिए विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है कि कोई एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर दे, विस्थापित कर दे। जब कोई अधिक क्रियाशील, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो इसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या है कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व आ जाए तो वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे मान लो ये कोई बेंच है, ये क्या है, कोई बेंच है। अब मैं इस बेंच को क्या नाम दे रहा हूँ, यौगिक नाम दे रहा हूँ। क्या नाम दे रहा हूँ, इस बेंच को मैंने कहा यौगिक, इस बेंच को मैंने क्या नाम दे दिया, यौगिक नाम दे दिया है। ये एक बेंच है, बेंच पर दो आदमी बैठे हुए हैं, एक तो है मोटा स्माइल के साथ बैठा हुआ भाई बेंच पर, एक है बेचारा दुबला पतला, थोड़ा सा उदास है, थोड़ा सा क्या है, उदास है, ये बैठा हुआ है दुबला पतला है। तो देखो ये यौगिक है, क्यों, क्योंकि दो चीज़ें, अब इनको मैं क्या कहूँगा, तत्व, दो तत्व बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये यौगिक हो गए। और जब तीसरा बहुत खुश तीसरा तत्व आ रहा है, और वो भी कैसा आ रहा है, धांसू वाला आ रहा है,
ये देखिए धांसु वाला आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये क्या है अधिक क्रियाशील तत्व है, ये क्या है अधिक क्रियाशील तत्व है, जबकि ये क्या है बेचारा उदास बैठा है, ये कम क्रियाशील तत्व है, ये क्या है कम क्रियाशील तत्व है। तो यहीं से परिभाषा बनती है कि जब मोटा आदमी पतले आदमी को अपनी बेंच से उठा दे, जब मोटा आदमी पतले आदमी को अपनी बेंच से उठा दे, इसी को कहते हैं विस्थापन। को जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे होगी समझ में, मतलब कि ए प्लस बी और सी बैठे हुए मान लो, क्या बनाएंगे अब इनमें विस्थापन, या फिर मैं ऐसे कर दूं, चलो ऐसे ही मान लो ए और बी और सी मिलकर बैठे हुए हैं, ए अकेला है, तो अगली लाइन में क्या रिएक्शन बनेगी, मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, अगली लाइन में ए और बी जुड़ जाएंगे और प्लस साथ में क्या बनेगा सी बनेगा। इसका मतलब क्या समझिए कि यहां पर ए अधिक क्रियाशील तत्व है जबकि सी अलग हो गया, तो सी क्या है कम क्रियाशील तत्व है, तो कम क्रियाशील तत्व क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, यानी कि ये अब बेंच पर बैठ जाएगा और ये बेचारा दूर भाग जाएगा, मतलब मोटे आदमी जैसे ही बेंच पर बैठने आएगा पतला आदमी अपनी सीट से उठकर भाग जाएगा। तो क्या होगा जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये लिखना नहीं है बनाना नहीं है, क्या लिखना है वो देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके हमारे पास, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि बात करूं मैं, जब कॉपर सल्फेट का विलयन लिया जाए, किसका विलयन लिया जाए कॉपर सल्फेट का विलयन लिया जाए और इसमें लोहे की कील डाल दी जाए, ये तो जल में घुला होगा और ये सॉलिड होगा लोहे की कील, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो अब ये अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व कौन है आयरन, कैसे पता लगेगा तो बेटा अगले लेक्चर में सारणी लेके आ रहा हूँ, उस सारणी को देखकर पता लगेगा कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील तत्व है और कौन सा कम क्रियाशील तत्व है, तो उस सारणी को याद करना पड़ेगा, उस सारणी को याद करते ही हम समझ जाएंगे हाँ ये अभिक्रिया हो सकती है या नहीं। तो यहाँ पर ये क्या है आयरन अधिक क्रियाशील तत्व है जबकि कॉपर कम क्रियाशील तत्व है, तो आयरन किसको हटा देगा कॉपर को हटा देगा, तो क्या बनेगा FeSO4 प्लस कॉपर क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, ये सॉलिड और ये एक्वस, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। कैसे हुई क्योंकि आयरन क्या है यहाँ पर आयरन अधिक क्रियाशील तत्व है जबकि कॉपर कम क्रियाशील तत्व है, तो अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व को हटा दिया जाता है, तो अब कॉपर अलग हो जाएगा जबकि आयरन इसकी जगह सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ये क्या है इसे कहते हैं कॉपर सल्फेट, ये तो है आयरन या लोहा, ये क्या बनाया ये बनाया आयरन सल्फेट, क्या बना आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं, और ये क्या है कॉपर, ये क्या है कॉपर। तो अभिक्रिया किसी प्रकार से भी पूछ सकता है, जब कॉपर सल्फेट की क्रिया लोहे के साथ कराई जाए या जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाए तो क्या होगा, तो निम्न रिएक्शन होती है। अब देखिए कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है नीला होता है, लोहे का कलर आप सब जानते हो, और जबकि जो आयरन जो सल्फेट बनता है क्या बनता है आयरन सल्फेट जो बनता है उसका कलर नीले से कैसा हो जाएगा हरा। तो क्या होगा जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबाया जाएगा, तो देखिए जो नीला विलयन था वो तो कन्वर्ट हो जाएगा हरे में, जो नीला विलयन था वो तो हो जाएगा हरे में, और जो लोहे की कील थी उस पर कील पर लोहे की कील पर भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, लोहे की कील पर क्या हो जाएगी लोहे की कील पर भूरे रंग की परत जमा हो जाएगी। अब इसका एक्सपेरिमेंट हम कर लेते हैं, क्या है ये रिएक्शन तुम्हें लिखनी है, ये नोट करो भाई, चिन्ह मैंने लगाने नहीं है तुम्हें, ये रिएक्शन नोट कर लो फटाफट, एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए हमारी बुक में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि सबसे पहले लोहे की तीन कील लो, एक्सपेरिमेंट तीन कील लो, शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी मैं बोलूंगा डिटेल में, शॉर्ट में समझा देता हूं पहले, तीन कील लो दो क्या लो परख न ले लो। चलिए मैंने तीन कील ले ली, 1 2 3 छोटी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी हो सकती है, दो परख नली लेनी है मुझे ए एंड बी, इसको नाम दिया मैंने ए, इसको नाम दिया बी,
फर्स्ट गिल, सेकंड गिल, थर्ड गिल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या किया मैंने, कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया दोनों में। किसका विलयन? कॉपर सल्फेट का विलयन। किसका विलयन भरना है? कॉपर सल्फेट का विलयन भरना है। कैसे रंग का होता है? नीले रंग का होता है। अब मैंने इन दोनों किलों को, सेकंड और थर्ड को, कहाँ डुबोया है? इस कॉपर सल्फेट के विलयन में। ऊपर तक भर दूँ, यहाँ पर डुबो दिया, और इसको दोनों को यहाँ पर डुबो दिया, जबकि तीसरे कील को कहीं पर भी मैंने नहीं डुबोया है, और जबकि ए विलयन में भी किसी चीज़ को नहीं डुबोया है। ध्यान से सुनना, दो कीलों को कहाँ डुबोया? बी परागनली में डुबो दिया है, जबकि जो फर्स्ट कील है उसको मैंने कहीं पर भी नहीं डुबोया है, और ए परागनली में भी मैंने किसी चीज़ को नहीं रखा है, केवल क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। 10-20 मिनट के बाद हम देखते हैं इनको निकाल कर कीलों को। तो ये कील क्या होती हैं, इस कील पर एक भूरे रंग की परत यहाँ पर जमा हो जाती है। क्या हो जाती है? भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, और तथा जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन था, जो नीला विलयन था, वो कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। अब हरे विलयन की और नीले विलयन की तुलना कर सकते हैं, क्या कलर में चेंज हुआ? इसी प्रकार कीलों में क्या चेंज हुआ वो इनके साथ तुलना कर सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात कि इसको अकेला क्यों छोड़ा और इसमें कुछ क्यों नहीं डाला, क्योंकि इनकी दोनों की तुलना करनी थी। इन दोनों की क्या करनी थी तुलना, तो केवल इसमें एक्सपेरिमेंट किया, इसमें नहीं किया। इसमें हमने कॉपर सल्फेट का नीला विलयन छोड़ दिया, जबकि इसका रंग हरा हो गया था, हल्का सा हरा हो जाता है। और जो पहली कील थी, तीन ली, दो को इसमें डुबोया था, एक क्यों छोड़ी? क्योंकि उससे हमें दूसरी कीलों की तुलना करनी थी। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, एक्सपेरिमेंट हो जाता है। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, जो हमारी लैंग्वेज है बुक की उसको मैं सुना देता हूँ, उसको आपको नोट करनी है। क्या है प्रयोग? एक्सपेरिमेंट हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखना है पहला पॉइंट, लोहे की तीन कील लेते हैं, लोहे की तीन कील लेते हैं और उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेते हैं। उनको क्या करते हैं? रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? अब दो परख नलियां लेते हैं जिन पर ए और बी अंकित करते हैं, जिन पर क्या करते हैं, ए और बी अंकित करते हैं, यानी कि ए और बी उस पर लिख देते हैं, और दोनों में कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं। कितना कितना? 10-10 ml, दोनों परख नलियों में 10-10 ml कॉपर सल्फेट का नीला विलयन भर देते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है वो सुनिएगा। अब आयरन की या लोहे की, अब लोहे की दो कीलों को परख नली बी में धागे की सहायता से सावधानी पूर्वक परख नली में लटका देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों कीलों को कहाँ डाल दिया? परख नली बी में डाल दिया, और इन्हें 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, बता दिया। चौथा पॉइंट क्या कहता है? 20 मिनट बाद दोनों कीलों को परख नली बी से निकालने पर, या निकालते हैं, एवं दोनों कीलों की तीसरी कील से एवं परख नली बी के विलयन की परख नली ए से, भाई दोनों कीलों की कील तीसरी से और परख नली बी की परख नली ए से क्या करते हैं? तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो हमें प्रेक्षण क्या नजर आएंगे? तो हेडिंग डालो प्रेक्षण, उसके बाद क्या लिखना है? दो प्रेक्षण नजर आए, कौन कौन से? एक तो कील वाला, एक परख नली वाला। पहला देखिए, परख नली बी का रंग नीले से हरा हो जाता है। पहले कैसा था? दोनों में नीला, लेकिन इसमें कील डाली तो विलयन कैसा हो गया? हरा हो गया। तो पहला प्रेक्षण क्या है कि परख नली बी का रंग नीले से हरा हो जाता है। और दूसरा क्या है कि परख नली बी से निकाली गई कीलें या लोहे की कीलों पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है? भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जमा हो जाती है। अभी दोनों मैंने बताई दिए थे। इसके बाद क्या कह रही है हमारी बुक कि इस अभिक्रिया में आयरन ने, अच्छा वो कह रही है कि कौन सा अधिक क्रियाशील है, कौन सा कम क्रियाशील है। तो आपको पता चल गया होगा कि हमने किसकी क्रिया करवाई, लोहे की कील की कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या बना? FeSO4+ कॉपर, यानी कि लोहा यहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व है जबकि कॉपर यहाँ पर कम क्रियाशील तत्व है, इसलिए लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। चलिए ये हो गया, ये नोट कर लेना जो मैंने बोला है, आराम से पॉज कर करके, और जो एग्जाम्पल हैं वो लेते हैं, और भी एग्जाम्पल हैं इसके, वो देखते हैं हम कौन कौन से। सबसे पहला तो कौन सा था हमारे पास? कॉपर सल्फेट प्लस आयरन क्या बनता है? FeSO4+ कॉपर। इसी प्रकार से मैं दूसरा एग्जाम्पल ले सकता हूँ जो हमारी बुक में दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट के साथ किसकी अभिक्रिया करा? तो जिंक की। क्या बनेगा? ZnSO4+, यहाँ पर भी क्या निकल जाएगी? कॉपर निकल जाएगी। तीसरी अभिक्रिया ले रहा हूँ मैं, प्लम्बम मतलब लेड। क्या है ये? लेड है। लेड की क्रिया कॉपर क्लोराइड से करवा दी जाए, लेड की क्रिया कॉपर क्लोराइड, तो वही वाली बात है, ये इसको यहाँ पर से विस्थापित कर देगा तो क्या बनेगा? Cu यहाँ अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा? PbCl2, लेड क्लोराइड। तो इस प्रकार की ये तीनों रिएक्शंस हमारी बुक में दी हुई हैं। तीनों रिएक्शंस कहाँ हैं हमारी बुक में, और कौन सी बुक की बात कर रहे हैं? NCERT। तो ये तीनों ही रिएक्शंस हमें याद करनी है, आगे होगी बात समझ में। और यहाँ पर हमारी दो चीज़ें आज कंप्लीट हो चुकी हैं, एक तो जल का विद्युत अपघटन और दूसरा विस्थापन अभिक्रिया।
अगली जो लेक्चर आएगा, अगला लेक्चर, उसमें बात करेंगे हम अगली अभिक्रिया की, जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब दोनों साइड से विस्थापित हों तो उसको कहेंगे द्विविस्थापन। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।